Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum everyone. I am Mohammed Farooq Yaseen from Government Degree College, Malir, Cantt. Aaj hum first year physics, chapter number 10, geometrical optics mein se ek bada hi important topic hai, astronomical telescope. आज हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं हम उन पे भी आज बात करेंगे। अच्छा जी, पहले हम बात करते हैं टेलीस्कोप है क्या। टेलीस्कोप इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट विच आर फार अवे, यानी एक ऐसी डिवाइस जो उन ऑब्जेक्ट को देखने के काम आए जो आपसे दूर पाए जाते हैं। वो ऑब्जेक्ट जमीन पे भी आपसे दूर हो सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट आसमान पे भी आपसे दूर हो सकते हैं। आसमान से मुराद ये कि जैसे आसमान पे बहुत सारी हैवी बॉडीज हैं, जैसे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, सैटेलाइट हैं, इनको देखने के लिए हम जो टेलीस्कोप यूज करते हैं उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहते हैं और यही आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा टेलीस्कोप की और भी टाइप्स होती हैं, गैलीलियन टेलीस्कोप है और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू ऑब्जर्व द हेवनली बॉडीज सच एज स्टार्स, मून एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कंस्ट्रक्शन, a telescope consists of two convex lens which is also known as converging lens. One lens behave as a objective and other lens behave as a eyepiece. Dekhiye, astronomical telescope ki construction bhi approximate waisi hai jaise compound microscope ki hoti hai, yani consist karta hai two convex lenses pe, but farq ye hota hai ki टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्ट पीस होता है वो लार्जर फोकल लेंथ का होता है। ये देखें डायग्राम, अगर आप देखें तो ये दो आपके पास कॉन्वेक्स लेंस मौजूद हैं, ये जो लेंस है आपके पास, ठीक है, ये जो लेंस आपको इस पर दिखाई दे रहा है ये वाला, ये आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट पीस, और ये जो लेंस है वो आपके पास है आई पीस, यानी वो लेंस जो आंख के करीब पाया जाए उस लेंस को हम कहते हैं आई पीस, और वो लेंस जो ऑब्जेक्ट के करीब होता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट पीस। तो इस डायग्राम में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि आपके पास जिस लेंस की फोकल लेंथ लार्जर है वो एक्ट कर रहा है एज अ ऑब्जेक्ट लेंस, और जिस लेंस की फोकल लेंथ कम है वो एक्ट कर रहा है एज अ आई पीस। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इट इज प्लेस टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट एंड इज ऑफ लार्ज फोकल लेंथ, यानी कि ऑब्जेक्ट पीस की फोकल लेंथ क्या होती है, लार्जर होती है कंपैरेटिवली आई पीस। इन अदर हैंड आई पीस इट इज प्लेस नियर द आई एंड इज ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, ठीक है, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये चीज ऑल्टरनेट होती है, जो आई पीस होता है वो ऑब्जेक्ट पीस बिहेव करता है, जो ऑब्जेक्ट पीस होता है वो आई पीस बिहेव करता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज ये तो हम लास्ट में पढ़ेंगे, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से बनने वाला जो फाइनल इमेज होता है हाईली मैग्नीफाइड, वर्चुअल और इन्वर्टेड होता है, ठीक है, इसको हम आखिर में डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत से बच्चे समझते हैं कि इमेज अगर इन्वर्टेड है तो वो रियल होगा और अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट नहीं होगा, इरेक्ट होगा, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो उसको मैं अभी पूरा डायग्राम जो आपको समझाऊंगा उसके बाद आपको बताऊंगा। अच्छा जी, रे डायग्राम आप देखिएगा, ठीक है, ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई प्लैनेट है, ठीक है, तो लाइट की रेस कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स की हम जब बात करते हैं तो हम उन ऑब्जेक्ट को डिस्टेंट ऑब्जेक्ट समझते हैं जो तकरीबन आपसे 10-12 मीटर से दूर हों, तो ये फार ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिक्स उनको कहते हैं इनफाइनाइट समझा जाता है। तो
आपको बताया कि हम ऑप्टिक्स से पढ़ के आ चुके हैं, मैट्रिक में भी टॉपिक था इमेज फॉर्मेशन बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस व्हेन रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द रिफ्रैक्शन इट मस्ट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। जब लाइट रेस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल हो या आप कहते हैं कि इन्फिनिटी से आ रही हो, तो वो एक पॉइंट से मीट करती है, इसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, खैर जनाब यहाँ हम करते क्या हैं, अब लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है आपके आपके पास, तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट पीस है, ऑब्जेक्ट लेंस, ये आपके पास आई पीस है, ऑब्जेक्ट पीस की फोकल लेंथ आपके पास लार्जर थी, आई पीस की फोकल आपके पास स्मॉलर थी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब आप किसी प्लैनेट को टेलीस्कोप से देख रहे होगे तो लास्ट में थोड़ा सा हल्का सा क्या बनाएगा आपके साथ, इंक्लाइन बनाएगा। ठीक है, वो आपके पास लाजमी तौर पे इंक्लाइन बनाएगा, यानी कि वो कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म कर रहा होगा। सपोज दैट के एंगल आपके पास क्या है, अल्फा। ठीक है, तो व्हेन वे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द रिफ्रैक्शन इट मस्ट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, और जब वो ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो सीधी निकल जाएगी। ठीक है, जब ये दोनों रेज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या बनता है आपके पास, इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, आपके पास क्या फॉर्म होगा, इमेज ए डैश बी डैश। ठीक है, ये जो इमेज होगा, जो फॉर्म होगा ऑब्जेक्ट लेंस से, ये होगा रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, बट ये स्मॉलर इन साइज होता है। राइट बात है, देखें कोई भी प्लैनेट है वो तो बहुत ह्यूज जायंट बॉडी होती है। ठीक है, बट यहाँ जो इमेज बनता है आपके पास क्या होता है, स्मॉलर होता है। अब ये जो इमेज ए डैश बी डैश है, ये आई पीस के लिए बिहेव करता है एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एज अ ऑब्जेक्ट। अब आपको पता होगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला होगा इसको हम कहेंगे एफ ओ, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट पीस। ठीक है, अब देखें क्या होगा, वीक प्रॉपर्टी के व्हेन रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द रिफ्रैक्शन इट मस्ट पास द प्रिंसिपल फोकस, और ऑप्टिकल सेंटर से आपकी सीधी निकल जाती है। डॉटेड लेंसेज को आप पीछे करेंगे तो ये जब इंटरसेक्ट करेगा तो आपके पास बनेगा फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे एफ ई, फोकल लेंथ ऑफ आई पी। अच्छा देखें, अब ये जो बनने वाला इमेज है, जो फाइनल इमेज है, ये कैसा है? देखें ये इमेज आपके पास नंबर वन। अब इस इमेज को हम एक्चुअली डिस्क्राइब करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। पहली बात, ये बनने वाला इमेज क्या है, मैग्निफाइड है। ठीक है, बड़ा है, रियल नहीं है, रियल नहीं है ये इमेज, वर्चुअल कहलाएगा। क्यों? ये सेम इन साइड है, यानी जिस जानिब ऑब्जेक्ट होता है अगर इमेज उसी जानिब हो तो ऐसे इमेज को हम वर्चुअल कहते हैं। ठीक है, और इसी वजह से होता है क्या है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्या चीज, आई पीस, तो ये आई पीस का फॉर्म फोकल लेंथ दिखाई दे रहा है एस पी। ये जो इमेज है जो ऑब्जेक्ट पीस से बना था वो इनसाइड द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस आएगा। अदरवाइज अगर एग्जैक्टली ये मौजूद होता कहाँ, एफ ई के ऊपर, तो आपको पता होगा कि जब ऑब्जेक्ट फोकस की होता है इमेज इन्फिनिटी पे बनता है, तो इमेज आपको इनवर्टेड मिल जाता, जो वर्चुअल नहीं बनता। कॉन्वेक्स लेंस से इमेज वर्चुअल उसी सूरत में बनता है जब ऑब्जेक्ट इनसाइड द फोकल लेंथ मौजूद हो। ठीक है, तो फिलहाल ये जो आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से बनने वाला फाइनल इमेज था वो कैसा है, नंबर वन हाईली मैग्निफाइड, नंबर टू ये आपके पास इन्वर्टेड है, उल्टा आ रहा है, नंबर थर्ड बट ये रियल नहीं है, ये क्या है, वर्चुअल है। वर्चुअल कैसे, ये आपके पास ऑब्जेक्ट था, ये आपके पास इमेज है, तो अगर आप देखें ये सेम इन साइड है, जब सेम इन साइड तो ऐसे इमेज को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, वर्किंग जरा देखिएगा, पहले बात करते हैं एक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट पीस, जो ऑब्जेक्टिव था उसकी प्रॉपर्टी क्या आती है। द ऑब्जेक्ट लेंस फॉर्म अ रियल इन्वर्टेड इमेज ए डैश बी डैश, यानी ये आपके पास इस ऑब्जेक्ट पीस से जो इमेज बनता है वो कैसा होता है, रियल है और इन्वर्टेड है, बट दिस इमेज इज स्मॉलर इन साइज, इमेज क्या होता है, स्मॉलर होता है। अब ये इमेज इस आई पीस के लिए बिहेव कर रहा था एज अ ऑब्जेक्ट, तो अब बात करते हैं एक्शन ऑफ आई पीस। द आई पीस इज मूव, जो आई पीस होता है इसे मूव करते हैं, द आई पीस इज मूव इन
such a way that the image A dash B dash come at its focus. वो उसके focus तक आ जाए. Now the eyepiece acts as a magnifying glass and gives its virtual image A double dash B double dash on the same side at infinity. This image is highly magnified. So that's why the final image of an astronomical telescope will be highly magnified, virtual and inverted. अब आते हैं मेन टॉपिक पे, यानी कि अब हम यूज करेंगे फॉर्मूला, मैग्नीफाइंग फॉर्मूला आपने फाइंड करना है. आपको याद होगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपके पास होता है m इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा, द रेशियो बिटवीन, द रेशियो बिटवीन एंगल सबटेंडेड बाय एन इमेज एंड एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन, विच इज ऑल्सो नोन एज एंगुलर मैग्निफिकेशन. तो हमें बीटा फाइंड करना है, हमें अल्फा फाइंड करना है. बीटा क्या था? विजुअल एंगल, विजुअल एंगल है सबटेंडेड बाय एन इमेज, और अल्फा क्या है? विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट. अच्छा, ये आपके पास ये ऑब्जेक्ट पीस है, तो ट्रायंगल बन रही है. देखिएगा ओ ए डैश बी डैश, ओ ए डैश बी डैश, अगर आपको ट्रायंगल जहां से दिखाई दे रही हो. पहले मैं इसको हाईलाइटर यूज कर लेता हूँ, ठीक है. तो ये आपके पास एक ट्राइंगल बन रही है. ओ जो है ऑप्टिकल सेंटर है किसका? ऑब्जेक्ट लेंस का. ओ ए डैश बी डैश, कैलकुलेशन अल्फा, कंसिडर ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश टेन अल्फा. देखिए मैंने आपसे कहा था कि एक्चुअली जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हो तो वो नासी तौर पर क्या था? इंक्लाइंड था. ये एंगल क्या था? अल्फा था. जब आप इन्वर्टेड एंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो ये एंगल अगर अल्फा है, ये एंगल भी क्या बनेगा? अल्फा ही बनेगा, ठीक है. तो जनाब अब बात करते हैं, कंसिडर ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश, ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश, टेन अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर फॉर्म बेस होता है, या परपेंडिकुलर क्या होगा? ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, और बेस क्या होगा? ओ बी डैश, ओ मतलब सर ये असल में ए डैश उन्होंने ऊपर लिखा है ओ ए डैश. Here alpha is so small, so tan alpha is approximate equal to alpha. So यहाँ simple क्या होगा? O a dash यानी O a dash बराबर हो जाएगा आपका किसके? F1 के. So tan alpha alpha आ जाएगा, a dash b dash, a dash b dash आ जाएगा, और O a dash भी आ जाएगा आपके पास, F1 आ जाएगा. अच्छा आप देखें O a dash बराबर है, O a dash बराबर था आपके पास F1 के. तो आपने क्या किया? टेन अल्फा का जगह अल्फा पुट कर दिया, ए डैश बी डैश ऐसे आ गया, और ओ ए डैश बराबर आ गया एफ वन के. तो अल्फा इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन एफ वन, इसका नाम रख दिया हमने क्वेश्चन नंबर. अच्छा जी, अब इसी तरीके से अब हम फाइंड करेंगे बीटा की वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ बीटा. अब यहाँ ट्रायंगल इसको हम कह देंगे ओ डैश, ओ एक्चुअली था ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट पीस, ओ डैश जो होगा वो होगा ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस. कंसिडर O dash A dash B dash, tan beta equal to perpendicular upon base. Perpendicular यहाँ पे क्या हो जाएगा? A dash B dash, और simply beta आपके पास base क्या होगा? O dash A dash. Same to same, ये भी बराबर होगा किसके? आपके पास F2 के, सही है? तो ये आप देख लीजिएगा, simply आपके पास क्या था? ये आपके पास F1 था, focal length of object piece, और ये आपके पास क्या था? हम focal length object piece को हमने F1 से show किया, और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस को हमने F2 से शो किया, ठीक है जी. अच्छा जी, तो वेयर बीटा इज सो स्मॉल, सो टेन बीटा इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू बीटा, टेन बीटा को जो है हम पुट कर देंगे बीटा, ए डैश बी डैश एज इट इज आ जाएगा, और ओ डैश ए डैश बराबर हो गया F2 के. तो अब हमने अल्फा की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, और अब हमने बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर ली है. अब हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर वन के अंदर. तो आपको याद है एम बराबर था बीटा ओवर अल्फा. तो जनाब बीटा आपके पास ए डैश बी डैश अपॉन एफ टू था, अल्फा आपके पास ए डैश बी डैश अपॉन एफ वन था. ए डैश बी डैश से आपको पता है कि ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा? आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो वन अपॉन एफ टू वन अपॉन एफ वन आएगा. ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? उलट जाएगा. तो वन एम बराबर आएगा एफ वन अपॉन एफ टू के. इसको आप कह सकते हैं रेशियो बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट पीस एंड फोकल लेंथ ऑफ आई. ठीक है जी,
होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब जनाब हम आगे बात करते हैं इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल पेपर में आ चुका है। ये न्यूमेरिकल बुक में मौजूद नहीं है बट ये पास्ट पेपर में सवाल कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है जी। तो उसकी हम बात करते हैं। सवाल में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ आर टेलीस्कोप इज 11। देखिए टेलीस्कोप भले एस्ट्रोनॉमिकल हो या गैलीलियन टेलीस्कोप हो या टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप हो, तमाम की तमाम टेलीस्कोप की जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो हमेशा क्या होता है, एम इक्वल टू एफ वन अपॉन एफ टू। इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल आप कहते हैं कि रिलेशनशिप का रेशियो बिटवीन द रेशियो बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट पीस एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। सवाल में कहता है इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इज 11, मैग्निफिकेशन आपको 11 दी हुई है एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज या लेंथ ऑफ टेलीस्कोप या लेंथ ऑफ ट्यूब इसको कहा जाता है। इसको हम शो करते हैं कैपिटल एल से। तो एम आपको दिया हुआ 11 और एल आपको दिया 120 सेंटीमीटर। करना क्या है, डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। आपने फोकल लेंथ फाइंड करनी है ऑब्जेक्टिव की और आईपीस की, यानी आपने F1 और F2 फाइंड करना है, ठीक है। तो खैर सबसे पहले डायरेक्ट मैग्निफिकेशन आपको दी है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है F1 अपॉन F2। एम कितना है 11 है, F1 ऐसे आ जाएगा, F2 ऐसे आ जाएगा, तो F2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, F1 बराबर आएगा 11 F2 के। और सिंपली आपको लेंथ का फॉर्मूला दिया था, L बराबर होता है एक्चुअली F1 प्लस F2 के, ठीक है। यानी L बराबर होता है F1 प्लस F2 यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट पीस प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। L आपके पास 120 आ गया, F1 आपके पास 11 F2 आ गया और F2 आपके पास ऐसे आ गया, 120 ऐसे आ गया, 11 F2 प्लस F2 12 F2 12 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, F2 बराबर आएगा 10 सेंटीमीटर के। अब आप इस F2 के वैल्यू को चाहे तो पुट कर दें इस फॉर्मूले के अंदर। मैं इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज F1 इक्वल टू 11 F2, F1 इक्वल टू 11 F2, F2 आपको दिया हुआ 10, तो 10 को लेंथ से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आएगा 114 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ ऑफ आईपीस आपके पास 10 सेंटीमीटर है जबकि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट पीस आपके पास 114 सेंटीमीटर। तो आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा और 2020 के लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा चैप्टर में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की डेरिवेशन लाजमी तौर पर बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। बाकी अब मुझे याद दें, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।